टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। शहीद सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी शोक व श्रद्धांजलि दिवस पर भाकपा माले कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर एलएसी पर गलवान घाटी में चीन के साथ मुकाबला करते हुए शहीद बहादुर सैनिकों को सलाम नमन के नारे लगा रहे थे। जुलूस कैंटीन चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में बदल गया। सभा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सह जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि सैनिक शहीद हो, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले, बड़े ही शर्म की बात है। पूरे देश में भाकपा माले बलवान घाटी में वीर शहीद सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि दिवस आयोजित किया है और श्रद्धांजलि दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और वीर शहीद सैनिकों को हम सलाम करते हैं और साथ ही साथ देश के पीएम नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल रहे हैं ये बड़े ही शर्मनाक है और देश के जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो चीन मेरे सीमा के अंदर घुसा ही नहीं, सवाल है घुसा ही नहीं तो आखिर वीर सैनिकों का शहादत कहाँ और कैसे हुआ ये बड़ा सवाल है, ये देश को बताना चाहिए। इस लेकर के आज भाकपा माले पूरे देश में श्रद्धांजलि दिवस आयोजित करके मांग करता है जिस भारत चीन सीमा की सुरक्षा होनी चाहिए और वीर सैनिक के शहादतों पर मोदी सरकार राजनीति बंद करे। आज बिहार विधानसभा चुनाव आते ही बिहार रेजिमेंट का राग अलापना शुरू कर दिए हैं, जबकि हकीकत है बिहार रेजिमेंट में बिहार ही नहीं हरियाणा पंजाब अन्य प्रदेश के भी सैनिक शामिल हैं। इस लेकर के सैनिक के शहादत पर किसी भी तरह के चुनावी राजनीति भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी और मांग करता है चीन से वार्ता किया जाए, वार्ता के जरिए शांति स्थापित किया जाए और हल किया जाए। दिवाकर